तो मित्रों अब समझते हैं सेशन स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था सेशन मेंटेन होता है सर्वर साइड पे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है सेशन स्टेट और उसके अंदर एक पेज लिया है मैंने विच इज वेब फॉर्म, उसका नाम भी दिया है सेशन स्टेट डॉट ASP.exe। उसके डिजाइन पे मैंने एक बटन लिया है और एक लेबल लिया है। तो बेसिकली अगर मैं कोड साइड पे जाती हूँ, मैंने पेज लोड पे सेशन में एक वैल्यू स्टोर करवाई है। तो दिस इज हाउ यू स्टोर डेटा टू अ सेशन वेरिएबल। तो सेशन लिखना है, स्क्वायर ब्रेसेस ओपन, उसके अंदर जो भी आपको नाम देना है, यहाँ पे मैंने यूजर अंडरस्कोर आईडी दिया है, तो उसमें मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ न्यू सेशन। फिर मुझे जो सेशन में वैल्यू स्टोर की उसको रिट्रीव करना है, तो वो मैं कब करूंगी, ये बटन है उसके क्लिक इवेंट पे। तो उसके क्लिक इवेंट पे मैंने एक वैल्यू, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है और उसमें जो सेशन में वैल्यू स्टोर थी उसको रिट्रीव किया है और जो एक लेबल लिया है उसमें ये वैल्यू को मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो चलिए अब इसको हम डीबग करते हैं। तो पेज लोड इवेंट पे मैं सेशन में वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ। तो अगर आप देखेंगे इस पे, इसको सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट F9, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी न्यू सेशन। ठीक है, ये मेरा सेशन वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है न्यू सेशन। नाउ मैं बटन पे क्लिक करूंगी, अभी लेबल का टेक्स्ट है मेरा डिस्प्ले सेशन है, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं लेबल में। बट जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगी, हमने यहाँ पे कोड लिखा है कि जो वैल्यू सेशन में होगी वो लेबल में डिस्प्ले होनी चाहिए। सो क्लिक ऑन बटन, पहले पेज लोड पे जाएगा, फिर बटन क्लिक इवेंट पे आएगा, फिर यूजर आईडी, उसमें देखिए मैंने ये वैल्यू रिट्रीव करवाई है। तो दिस इज माय यूजर आईडी जिसमें ये वैल्यू आ गई न्यू सेशन, और फिर मेरा लेबल, उसमें आ गया मेरा जो सेशन का वैल्यू था। तो इस तरह से हम सेशन स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑन सर्वर साइड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। तो इस टेक्निक के लिए सबसे पहला मेथड है एप्लीकेशन स्टेट। सो बेसिकली एप्लीकेशन स्टेट इज अ ग्लोबल स्टोरेज मैकेनिज्म, यानी कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है उसके लिए अगर आपको कोई डेटा चाहिए जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन अवेलेबल हो, तो एक ग्लोबल स्टोरेज मैकेनिज्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्टेट। सो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डेटा आपको पूरे वेब एप्लीकेशन में थ्रू आउट द एक्टिव यूज ऑफ वेब एप्लीकेशन आपको चाहिए, तो आप इसको एप्लीकेशन स्टेट ऑब्जेक्ट में यूज सेव कर सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन है जो एप्लीकेशन स्टेट में स्टोर की जाती है, वो हम पूरे वेब एप्लीकेशन में कोई भी पेज में यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी एक वेब पेज पे स्टोर की है इन द वेब एप्लीकेशन स्टेट, तो वो आप कोई भी पेज में एक्सेस कर सकते हो। यानी कि दिस पेज वन जहां पे एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में आपने कोई डेटा स्टोर किया, तो इन पेज टू ऑल्सो यू कैन एक्सेस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट डेटा। इट इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड बिटवीन सर्वर राउंड ट्रिप्स एंड बिटवीन पेजेस। यानी कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को और वो सर्वर एक आपको रिस्पॉन्स भेजता है, तो इन बिटवीन अगर कुछ डेटा चेंज होता है और आप उसको एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो, तो ये जो डेटा मेंटेन करना है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर राउंड ट्रिप या बिटवीन द पेजेस, यानी कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे, तीसरे पेज से पहले पेज पे, तो ऐसी जो आपकी ट्रिप्स है उसके बिटवीन अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्टिवनेस, तो आप इसको एप्लीकेशन स्टेट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो। इट इज यूज्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि कोई भी ऐसा डेटा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एप्लीकेशन लेवल के बिहेवियर के लिए, तो आप उसको एप्लीकेशन स्टेट ऑब्जेक्ट में सेव करते हो। सो बेसिकली एप्लीकेशन स्टेट हैज थ्री मेन इवेंट्स विच इज एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर, एप्लीकेशन अंडरस्कोर एंड। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तीनों इवेंट्स कहाँ पे होते हैं इन योर वेब एप्लीकेशन और यहाँ पे आप कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। सो नाउ इन प्रोजेक्ट जस्ट डू राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, और यहाँ पे एड करिए ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास। सो दिस ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास जिसमें हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स असाइन करेंगे।
सो बाय डिफॉल्ट ये सारे इवेंट्स क्रिएट हो जाते हैं इन global.asx फाइल. सो जस्ट नोट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर आपका ASPX दैट इज वेब फॉर्म है तो .aspx होता है, बट ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास का एक्सटेंशन है .asx फाइल. इसके अंदर इवेंट है एप्लीकेशन _ स्टार्ट, एप्लीकेशन _ बिगिन रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट, एरर एंड देन दूसरे है सेशन स्टार्ट एंड सेशन एंड. फॉर एप्लीकेशन लेवल हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को और इसको यूज करेंगे. सो लेट मी से एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो मुझे एप्लीकेशन का टाइटल असाइन करना है. तो से दिस डॉट एप्लीकेशन, से एप्लीकेशन टाइटल इज इक्वल्स टू से माय न्यू एप्लीकेशन. सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट. नाउ इसको मुझे असाइन करना है कोई भी एक पेज पे, बिकॉज जब मेरा एप्लीकेशन लोड होगा तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी ये वेरिएबल में. अब इस वेरिएबल को मुझे असाइन करना है कोई भी पेज में, जैसे cookie.aspx है, hiddenfill.aspx है. तो चलिए हम जाते हैं cookie.aspx, इसके पेज लोड पे मैं डालती हूँ पेज डॉट टाइटल इक्वल्स टू डॉट टू स्ट्रिंग. सो नाउ लेट अस फर्स्ट कमेंट दिस कोड एंड फिर देखते हैं कि cookie.aspx का टाइटल क्या आता है. सो जस्ट नाउ देखिए ये इसका टाइटल है, दैट इज द पाथ ऑफ द पेज. नाउ लेट मी क्लोज दिस और मैं इसको अनकमेंट करती हूँ. नाउ जस्ट सी के उसका टाइटल क्या आएगा. सो दिस इज माई टाइटल, माई न्यू एप्लीकेशन. सो आई होप आपको समझ में आया कि हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट में एक वैल्यू असाइन की इन टू द एप्लीकेशन टाइटल और वही वैल्यू को हम इस वेब पेज में एक्सेस कर रहे हैं. सो इट्स लाइक आप एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो एट द एप्लीकेशन लेवल और उसको आप कोई भी वेब पेज में यूज कर सकते हो थ्रू आउट योर वेब एप्लीकेशन. सो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन स्टेट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडेटर्स.